आप सबको प्रिय दर्शना साह का प्रणाम। परमात्मा महेश स्वामी के शासन में कितने दृष्टांत हैं, जो दृष्टांत सुन के हम हमारी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसमें से एक दृष्टांत मैं आपको बताने जा रही हूँ, और वो दृष्टांत है जम्बू स्वामी का। जम्बू स्वामी परमात्मा महेश स्वामी के शासन के अंतिम केवल ज्ञानी थे। इनके बाद कोई किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। वो जम्बू स्वामी की बात इसलिए मैं आपको करती हूँ कि जम्बू स्वामी जो लोग दीक्षा लेते हैं, अपने मन से लेते हैं, इच्छा से लेते हैं, अच्छी तरह पालते हैं, उनका तो आत्मा का कल्याण होता ही है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं लेते हैं, अपने मजबूरन लेनी पड़ती है और उसका मन भी नहीं है, ऐसे आत्मा भी दीक्षा लेने के बाद कितनी ऊंचाई तक जाता है, ये दृष्टांत इससे आपको मालूम होगा। इसलिए कभी ऐसा मत सोचना कि मुझे इच्छा नहीं है, मैं दीक्षा ग्रहण कर दूं, मैं क्या करूं, मैं आगे नहीं निकलूंगा। ऐसा नहीं, आप जम्बू स्वामी का दृष्टांत सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। सुग्राम नगर में, जम्बू स्वामी की बात करती हूँ तो उसका माता पिता सुग्राम नगर में रहते थे, और उनको दो भाई है, एक बहुदत्त मुनि, बहुदत्त और बहुदेव, उन जम्बू स्वामी का अगला बहु है, तो दोनों भाई है। लेकिन बहुदत्त तो बहुत सालों पहले अपने माता पिता ने दीक्षा ग्रहण करने की उनको परमिशन दे दी थी, आज्ञा दे दी थी। बहुदत्त मुनि तो अपना अच्छा व्यतीत कर रहे हैं जीवन। बहुदत्त मुनि और बहुदेव दोनों बचपन में बहुत साथ में रहे, साथ में खेले, उनकी बहुत सारी बातें, बहुत यादें हैं लोगों की। बहुत अच्छी तरह प्रेम से लोग बचपन में जीते थे, खेलते थे। लेकिन बहुदत्त को ऐसा हुआ कि दीक्षा ग्रहण करके मैंने मेरा आत्मा का कल्याण किया है, तो फिर मेरा भाई क्यों रह जाए? मेरा भाई का आत्मा का कल्याण करना भी मेरी फर्ज में आता है। जब मौका मिलेगा तब मैं बहुदेव के पास जाऊंगा और बहुदेव को दीक्षा जीवन के बारे में और उनका आत्मा कल्याण के बारे में समझाऊंगा। अगर बहुदेव मान जाएगा तो बहुदेव का भी आत्मा का कल्याण होगा, बहुदेव का भी आत्मा का कल्याण होगा। ऐसा सोचते सोचते अपना दीक्षा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और वो मौका भी जल्दी आ गया। एक बार गुरुजी ने बहुदत्त मुनि को कहा, मुनिश्री आप आज हमको निकलना है और सुग्राम नगर में जाना है, मगध देश में सुग्राम नगर है, वहां जाना है। बहुदत्त मुनि तो अंदर से बहुत खुश हो गए, वो तो ये मौका की राह ही देख रहे थे। वहां निकल गए, विहार करते करते सुग्राम नगर में पहुंच गए। सुग्राम नगर में पहुंचते ही बहुदत्त मुनि ने सोचा कि गांव तो बहुत बड़ा श्रृंगार किया है गांव में, लेकिन उनको पता नहीं है कि आज क्या प्रसंग है। दूसरे दिन जब निकलने लगे अपने घर पे जाने के लिए, तब उनको पता चला आज तो मेरा भाई बहुदेव की शादी है, और शादी तो उस दिन पूरी भी हो गई थी, शादी का प्रसंग भी पूरा हो गया था। फिर भी बहुदत्त मुनि ने सोचा मैं घर पे जाऊँ, मेरे माता पिता को मिलूँ, और वो सबके लिए मेरा आगमन कितना अच्छा रहेगा, वो लोग खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचते सोचते बहुदत्त मुनि अपने घर पहुंचता है। दूर से अपने माता पिता ने बहुदत्त मुनि को आते देखा। बहुदत्त मुनि को देखकर माता पिता तो इतना प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि इसके आंखों में से खुशी के आंसू बहने लगे। उसकी माता ने सोचा कि मेरा कितना धन्य भाग कि आज दो दो अच्छे प्रसंग मेरे घर में हुए, एक तो छोटे बेटे की शादी, और अभी जो बड़ा बेटा है जो दीक्षित है, मुनि बन गया है, उसका पावन पगला मेरे घर में हो रहा है। इसलिए पति पत्नी दोनों, बहुदत्त मुनि के माता पिता दोनों खुश हो गए थे। बहुदत्त मुनि तो आंगन में पधार रहे, लेकिन शादी का घर था ना, तो मेहमान भी बहुत ज्यादा था, तो सब मेहमान भी बहुदत्त मुनि को देखकर बहुत खुश हो गए, और पधारो मुनिराज, पधारो मुनिराज, पधारो मुनिराज, हमारे घर की निर्दोष गोचरी आप ग्रहण करें, ऐसा बोल के सबने बहुदत्त मुनि को घर में पधारने का आमंत्रण दिया। बहुदत्त मुनि आया, घर में सबको मांगलिक सुनाया, और जो गोचरी थी निर्दोष गोचरी, ये सब अपने पात्र में ले ली। उस समय ऐसा आचार था कि जिस दिन लड़का की शादी होती है, वो लड़का उसी दिन अपनी पत्नी को श्रृंगार करवाता है। तो बहुदेव तो घर में नहीं था, बहुदत्त मुनि की आंखें बहुदेव को ढूंढ रही थी कि इतने सारे लोग हैं, बहुदेव क्यों नहीं दिख रहा। लेकिन बहुदेव तो कहाँ था, ऊपर अपनी नई दुल्हन को सजा रहा था, और दुल्हन भी कौन थी, वो नागदत्त की बेटी थी नागिला। नागदत्त और वासुकी वो भी नगर श्रेष्ठी थे, और उसकी सुसंस्कारी लड़की नागिला के साथ बहुदेव की शादी हुई थी। बहुदेव तो अपनी नई दुल्हन नागिला अपनी पत्नी को सजा रहा था, अचानक बहुदेव का हाथ रुक गया। नागिला ने देखा क्यों बहुदेव रुक गया। बहुदेव तुरंत बोला,
नीचे मुझे आवाज आई, अभी मेरा भाई मुनि पधार रहे ऐसा मुझे लगता है, मैंने अभी उनका आवाज सुना। मुझे लगता है मैं जल्दी नीचे जाऊं, मेरा भाई का नमन करूं, दर्शन करूं, वंदन करूं, बाद में जल्दी वापस आता हूं। ऐसा बोलकर भवदेव नीचे दौड़ के चला गया। दूर से दोनों भाई की आंखें मिल गई, दोनों प्रसन्न हो गए एक दूसरे को देखकर। भवदत्त मुनि तो मलक अंदर से मलक मलक हो गए थे और भवदेव भी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो गया। उनको भी गोचरी बनाने का लाभ मिला भवदेव को। फिर सब काम हो गया तो भवदत्त मुनि तो अब वापस जा रहे थे अपने मुकाम पर। तब उनका माता पिता सब मेहमान सब उनको विदा करने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। भवदेव ने सोचा तो मैं क्यों ना जाऊं, लेकिन भवदेव ने देखा कि भाई मुनि के हाथ में इतनी बड़ी झोली है, इस झोली के अंदर पात्र है, पात्र के अंदर गोचरी है, कितनी वजन वाली है, मैं उठा लूं। ऐसा शुभ भाव उनके मन में आया। भवदेव ने मुनि को कहा, भाई मुनि को, कि ये झोली मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूं। भवदत्त मुनि तो इतना खुश हो गए और वो तो सोचता ही था ऐसा होना ही था। तो तुरंत एक क्षण का भी विचार करके बिना भवदत्त मुनि ने ये झोली भवदेव के हाथ में दे दी। लेकिन वो ऐसा है, नियम है ऐसा, कोई गृहस्थ को अपनी पात्रा की झोली, अपनी गोचरी की झोली नहीं दे सकते, लेकिन भवदत्त मुनि ने दी। क्योंकि भवदत्त मुनि गीतार्थ गुरु थे, वो जानते थे ये झोली देने में कितना हित है कितना अहित है, वो सब गीतार्थ गुरु को पता चलता है। इसके लिए कोई नियम नहीं होता, वो जो करे वही नियम। इसलिए भवदत्त मुनि को कोई सोचने की जरूरत नहीं थी, तुरंत झोली भवदेव के हाथ में दे दी। सब लोग चलने लगे। रास्ते में दोनों भाई आपस में बचपन की बातें करने लगे। लेकिन जब उसका गली का नाका आया, उसका जो नुक्कड़ का जो चार रास्ता आया, वहां उनके स्वजन और माता पिता वापस चले गए। अब तो रहे दो भाई, भवदेव और भवदत्त मुनि। दोनों बचपन की बातें करते करते चल रहे हैं, मन में खुश हो रहे हैं, एक दूसरे को इतना आनंद मिलता है। इतनी बातें करते करते उपासरय आ गया। उस उपासरय के पक्ते में चढ़ते चढ़ते भवदेव मुनि बोले, निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही, ऐसा बोल के उपासरय में प्रवेश किया दोनों भाई ने। सामने गुरु महाराज बैठे थे, गुरु महाराज के पास गए और भवदत्त मुनि बोले, गुरु महाराज ये मेरा भाई है, इसका नाम भवदेव है। गुरु महाराज को भी क्या लगा, उनको भी आज मजाक करने का मन हो गया। वो बोला, भवदेव क्या तू भी संसार छोड़ के, गुरुवास छोड़ के तू दीक्षा लेने आया है? भवदेव तो चौंक गया, वो तो सोचने लगा अब क्या करूं, वहां तो जो ऊपरे मंजिले पर मेरी पत्नी नागीला मेरी राह दिखती बैठी है, मैंने तो ऐसा बोला था मैं अब भी आता हूँ और वो तो बैठी रही ऐसी, तो क्या करूं मैं? फिर सोचा अगर मैं ना बोलूं तो उनका भाई की शर्म थी, भाई की शर्म में ना भी ना बोल सका, ऐसे ही बोल दिया, हाँ दीक्षा लेने आया हूं। और भवदेव तो भवदेव मुनि बन गया। अब तो दोनों भाई दीक्षा में, भवदेव तो मन में सोचता है कि नागीला क्या सोचेगी, मैंने इतना जल्दी वापस आने का बोला है तो नागीला का मैंने विश्वासघात किया, वो बिचारी कितनी दिनों से जाते वक्त मुझे रोका भी नहीं, इसने सोचा भी नहीं कि जाता है तो वापस आएगा, क्या आएगा, कब आएगा, ऐसा भी सोचा नहीं, और जल्दी से मुझे हाँ बोल दी, तो नागीला का मैंने विश्वासघात किया है, अब क्या करूं। लेकिन एक क्षण में उसने विचार बदल दिया कि अगर मैं ना मना करूंगा तो मेरा भाई मुनि की भी आबरू जाएगी, इसलिए हाँ बोल दिया, हाँ गुरुदेव मैं दीक्षा लेने आया हूँ। गुरुदेव ने तो दीक्षा दे दी। भवदत्त मुनि तो यही तक की राह देख रहे थे, अपने भाई का आत्मा का कल्याण करने के अच्छा मौका, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो भवदेव मुनि बन गए। इधर क्या हुआ, घर में तीन प्रहर हो गया, तीन प्रहर में भवदेव वापस नहीं आया। घर में तो चारों ओर सब लोग चिंता कर रहे हैं कि कब, आज तो भवदेव की शादी हुई है और अभी तक नहीं आया, भवदेव कहाँ रुक गया। अपनी मम्मी माता पिता तो सोचने लगा कि अब क्या करें, लेकिन पिता तो उनका मन तो दूसरी दिशा में दौड़ने लगा। वो तो तुरंत घर से बाहर निकल गया, अपनी पत्नी को बोला, मैं अभी आता हूँ उपाश्रम में जाकर भवदेव की तपास करके।
वहां निकल गए भवदेव मुनि के लिए, भवदेव के लिए। वहां जाकर पूछा, भवदेव 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 कहाँ है, भवदेव कहाँ है? कोई जवाब नहीं। आगे गया, भवदेव। वहां से पता चला कि भवदेव तो भवदेव नहीं रहा, भवदेव मुनि बन गया है। पिता के सर पर तो साते आसमान टूट पड़ा, लेकिन क्या करे, बड़े बेटे भी सन्यासी बन गया है, तो अब क्या करे वो? वो तो ऐसे भारे हृदय से, भारे पांव से अपने घर वापस आया। अपनी पत्नी आंगन में खड़ी थी, तुरंत बोली, क्यों अकेले आए, भवदेव भवदेव नहीं आया, कहाँ गया भवदेव? तो भवदेव के बारे में अपना पिता क्या बोले, नीचा मस्तक रख के उसने बोल दिया, उन्हें तो दीक्षा ग्रहण कर ली। अपनी पत्नी तो ऐसा मूर्छित हो गई कि अब क्या करे। अभी तो उनके मन में तो ऐसा है कि अभी वो जो नवपरिणित नागिला है, इसका क्या करे, वो कैसे जीवन जिएगी? भवदेव आज ही दीक्षित हो गए, अब क्या करे? जब नागिला ने सुना तो नागिला तो चीख उठी, जैसे जल बिन मछली तड़पती है इस तरह नागिला तड़पने लगी और फर्श पर गिर पड़ी। ये पूरा सबका मन के अंदर जो जो दुख हुआ है, वो दुख तो पिता अकेला देखते रह गया, वो क्या करे, वो तो नहीं रो भी नहीं सकता, क्या करे? फिर भी अपनी आंख को संभाल लिया। नागिला बहुत सती स्त्री थी नागिला, उसने भी सोच लिया कि भवदेव ऐसा मेरा त्याग नहीं करने वाला, भवदेव को जरूर कोई परिस्थिति ऐसी आन पड़ी होगी, वरना कोई मजबूरी होगी, ऐसे भवदेव मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता, ऐसा इतना विश्वास था। इसलिए उसने अपने मन को संभाल लिया और सोचा, कोई बात नहीं, अब मेरा जीवन क्या है, मैं अब अपना सासू ससरा की सभ्या सेवा करूंगी, धर्म जीवन में मेरा जीवन व्यतीत करूंगी और अच्छी तरह से मेरा जीवन जीऊंगी, यही मेरा जीवन है, यही मेरा माता पिता का संस्कार है, मैं इस तरह जीवन जीऊंगी। वहां क्या होता है भवदेव मुनि को, भवदेव मुनि तो अभी क्या करता है, कोने में जाकर रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि वो सोचता है, मेरा माता पिता कैसा है, उनके दिल पर कैसे गुजरेगी, वो क्या करते होंगे, और मेरी इतनी अच्छी मेरी पत्नी नागिला जो स्वयं देवी जैसी है, उसके रूप के पीछे तो भवदेव पागल हो गया था, ऐसी स्वरूपवान स्त्री थी, तो इसके बारे में सोच सोच कर भवदेव तो अकेले अकेले कोने में जाकर रोता थे। भवदेव मुनि ने तो सोचा कि मैंने बहुत जल्दी से निर्णय ले लिया, मुझे ऐसा नहीं करना था, मेरा माता पिता का क्या हाल होगा, नागिला का क्या हाल होगा, बेचारी आज ही शादी हुई है, आज ही मैंने उसका त्याग कर दिया, मैंने उसका विश्वासघात किया, ऐसा सोच सोच कर भवदेव मुनि तो रोने लगे। अकेले अकेले कोने में जाते हैं और रो लेते हैं, उसको बहुत बुरा लगा कि मैंने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी बहुत उच्च आत्मा थे, वो सोच रहा था कि मैं जानता हूँ कि यही जीवन की सच्चाई है, कभी न कभी तो संसार का त्याग करके आत्मा कल्याण के मार्ग में जाना ही है, ये सब अच्छा ही है, लेकिन मैंने नागिला का आज ही त्याग किया, वो बहुत बुरा किया, ऐसा भवदेव को लगता है। अब क्या कर रहे हैं, भवदेव तो इतनी अच्छी तरह दीक्षा पालन करता है कि अपना गुरु का आज्ञा का पूरे पूरा पालन करता है, गुरु भाइयों की सेवा करता है, गोचरी पानी लाता है और अपना जो जो दीक्षा जीवन के आचार है बहुत अच्छी तरह पालता है, लेकिन ये सब पालन कैसे करता है, नागिला की याद में सब करता है, सब अच्छा काम करता है, लेकिन इसका हृदय के कोने में नागिला हटती नहीं है, नागिला नागिला नागिला, भवदेव नागिला को भुला नहीं पा रहा है, उनके मन में से नागिला का ख्याल निकलता ही नहीं है, कितना भी काम करे, कितना भी अच्छा आचार पाले, लेकिन नागिला मन से हटती नहीं है, लेकिन भवदेव मुनि अपना ये काम अच्छी तरह पूरा करता है। वो एक बार भवदेव मुनि ने मन में समाधान लिया कि ऐसे कैसे मेरा जीवन निकलेगा, उसने सोचा कि जब मेरा भाई महाराज है, भाई मुनि है, उसका आयुष्य है, तब तक मैं यहाँ इधर रहूंगा, जब उनका आयुष्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं नागिला के पास चला जाऊंगा, ऐसा समाधान लेके अब अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत करता है। और एक बार ऐसा 12 साल, ये बात को 12 साल बीत गया, 12 साल के बाद एक बार भवदत्त मुनि की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और वो तबीयत भी ऐसी ज्यादा खराब हुई, तब बचने का अवसर कम था, भवदत्त मुनि को भी हुआ
अब मैं ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, अब मेरा अंतिम समय बहुत नजदीक है, ऐसा उनको लगा। लेकिन बहुदेव मुनि बहुत उनकी सेवा करता है। और एक दिन ऐसा हुआ कि अनशन कर लिया, बहुदत्त मुनि ने अनशन कर लिया और समाधि भाव में रहकर अपना अंतिम श्वास छोड़ दिया, अपना आयुष्य पूर्ण कर दिया। बहुदेव तो इतना फूट फूट के रोने लगा, क्योंकि 12 साल से जिनकी निश्रा मिली, जिनकी निश्रा में आ साधु जीवन अच्छी तरह बिताया, ऐसा अपना भाई और बचपन का इतना प्यार वाला भाई कैसे भूल सके। और तो बहुत रोया बहुत रोया, और उनका मन खाली हो गया। अब क्या हुआ, बहुदेव का खाली मन के अंदर नागिला ने प्रवेश कर दिया, फिर से प्रवेश कर दिया। अब वो सोचने लगा, अभी कोई दूरी दूर नहीं है, अभी कोई ज्यादा समय नहीं बीत गया है, अभी तो नागिला 25-26-26 साल की है और मैं 28-30 साल का हूँ, मैं भी युवान हूँ, नागिला मुझे प्यार करती है, मैं उसे प्यार करता हूँ, तो क्यों मैं उनके पास ना जाऊँ। अभी मैंने भी सोचा था कि जब मेरा गुरु महाराज का अंतिम दिन आ जाएगा और उनका आयुष्य पूर्ण हो जाएगा, तब भी नागिला के पास जाऊंगा, उसको संसार का सब सुख देने दूंगा उस वक्त, ऐसा सोचा था, तो मैं क्यों ना जाऊं। दूसरे दिन सुबह तो बहुदेव मुनि ने उपाश्रय का दरवाजा छोड़ दिया और इतनी झड़प से चलने लगा कि इसके मन में नागिला सवार हो गई है। और शाम तक तो सुग्राम नगर में पहुंच भी गए, शाम हो गई थी, उसने सोचा शाम को नागिला के पास जाना बहुत अच्छी बात नहीं है, इसलिए गांव के बाहर एक मंदिर था, ये मंदिर के एक कोने में रात गुजारने का निर्णय कर लिया। वो कोने में रात गुजारने का निर्णय किया, लेकिन बहुदेव को चैन नहीं है, वो तो मंदिर से बाहर आकर बार बार गांव की ओर देखता है। पूरी रात में 3 बार तो बाहर आ गए और गांव की ओर देखने लगा। फिर ऐसे वैसे करके रात गुजार दी, सुबह हुई, बहुदेव मुनि ने मंदिर से बाहर निकले, बाहर देखा तो गांव के बाहर एक कुआ था, सोचा कुएं में पानी भरने के लिए गांव की स्त्रियां आएगी, उसको मैं पूछूंगा कि नागिला को जानते हो, नागिला कहाँ रहती है, नागिला क्या करती है, कितने प्रश्न उसके मन में थे, सब प्रश्न में वो कुएं में पानी भरने के लिए बहना आएगी, उनको मैं पूछूंगा। जो उस बहुदेव मुनि ने कुआ के पास देखा सामने, वहाँ एक स्त्री पानी भर रही थी। बहुदेव मुनि इतनी जल्दी से वहाँ पहुँच गए और पहुँच के उस स्त्री को पूछा, क्या आप नागिला को जानती हैं? उस नागिला जो नागिला के शादी के दिन ही उसका पति उसको छोड़कर दीक्षित हो गए थे, दीक्षा ग्रहण कर ली थी, वो नागिला की बात मैं कर रहा हूँ। उस स्त्री ने बोला, हाँ मैं नागिला को जानती हूँ। तुरंत बहुदेव बोला, कहाँ रहती है, वो क्या करती है, उसका घर कहाँ है, ऐसा बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए। इस स्त्री ने बोला, मैं ही नागिला हूँ। बहुदेव तो सोच में पड़ गया, नागिला के सामने देखने लगा, क्या ये नागिला, कहाँ वो शादी के वक्त की नागिला, इतनी स्वरूपवान, इतनी सुंदर, और क्या कहाँ ये नागिला। ये नागिला तो पति के विरह में झूर झूर के अपने शरीर के लोही और मांस भी सूख गया है, ऐसी नागिला, और कहाँ वो नागिला। लेकिन बहुदेव मुनि बहुत बात गहराई से समझ गए और स्वस्थ होकर बोले, क्या आप नागिला है। नागिला ने बोला, हाँ मैं नागिला हूँ, लेकिन आपको क्या काम है नागिला का। बहुदेव ने बोला कि मैं बहुदेव हूँ, उनका पति हूँ। नागिला भी बहुदेव मुनि के सामने देख रहे। बहुदेव मुनि ने बोला, नागिला अब मेरा भाई मरा था, उसका आयुष्य पूर्ण हो गया है, अब मैं तेरे पास आ गया हूँ, तेरे पास आकर मैं सोचता हूँ कि अब हम दोनों साथ में मिलकर फिर से हमारा संसार की शुरुआत करें, अब तू मेरे साथ चल, हम दोनों साथ मिलकर फिर से संसार की शुरुआत करें, और तेरा जो सपना था और मेरा जो सपना था, जो सपना हमारा कड़ड़ भूस हो गया था, सपना हमारा चकनाचूर हो गया था, वो सपना हम फिर से सजाएं, और संसार के सब सुख मैं तुझे देना चाहता हूँ। लेकिन मैंने पहला बोला ना, नागिला तो कैसा जीवन जी रही थी। नागिला तो बोली, क्या मुनिराज आप इतना अच्छा जीवन छोड़कर मेरे पास आ गए, इतना सारा जीवन छोड़कर ये संसार रूपी कादव में, वो कीचड़ में अपने ये सफेद वस्त्र मैले करने आए हो, आप ऐसा नहीं कर सकते।
मैंने भी संसार के सब सुख छोड़ दिए हैं और मैंने भी सोच लिया है मैं भी दीक्षा लूंगी। लेकिन मैं क्या क्यों दीक्षा नहीं ली, मैं सोचती थी कि एक दिन तो तुम आप मुझे मिलने के लिए जरूर आओगे, इसलिए आपकी राह देख रही थी। आज तुम मुझे मिले, अब मिल लिया, बातें कर ली, अब आप भी जाओ दीक्षा जीवन अच्छी तरह पालो और मैं भी दीक्षा लेने वाली हूँ। मैं भी मेरा दीक्षा जीवन अच्छी तरह के पाल के जीवन पूर्ण करके हम दोनों को क्या कहीं भी अच्छा भाव हमको मिलेगा कि अच्छी जगह हम जाएंगे, तो इस तरह हमारा जीवन हम व्यतीत करेंगे। नागीला ने तो क्या किया, वो तो सोचती थी कि भवदेव वापस नहीं आने वाला, इसलिए नागीला ने तो इतना महा विनिष्क्रमण जैसी प्रतिज्ञा ले ली थी ब्रह्मचर्य पालन की। अब तो शादी करने के भव के भवदेव के साथ रहने की कोई सवाल ही नहीं आता था, इसलिए नागीला ने इस तरह भवदेव को समझा दिया, अपने मार्ग में स्थिर किया, क्योंकि नागीला सती स्त्री थी। उसने ऐसा नहीं सोचा कि भवदेव आया है तो मैं अब संसार का सुख भोग लूं और अच्छी तरह से जीऊं, ऐसा नहीं सोचा। उसने सोचा 12 साल तक दीक्षा का जीवन व्यतीत किया है, 12 साल तक उसने अच्छी तरह पाला है, तो अब क्यों उसका बिगाड़ूं। ऐसा सोचकर नागीला ने उसको अपने स्थान में स्थिर किया, वो भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। भवदेव मुनि वापस कर अपना दीक्षा जीवन अच्छी तरह व्यतीत करके अपना आयुष्य पूर्ण करके भवदेव मुनि भी अपना आयुष्य पूर्ण करके कहाँ गया और नागीला कहाँ गए, बहुदत्त मुनि कहाँ गए, उनका गुरु कहाँ गए, वो सब की बात मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगी। वो लोग कहाँ मिलता है, कहाँ मिलने के बाद दूसरा भव कहाँ होता है और अंतिम भव केवल ज्ञानी मिलता है, केवल ज्ञान वो भव कब आता है, ये पूरी बात मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए प्रणाम।